गुरुदत्त साहब की क्लासिक फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 किसने नहीं देखी होगी। ये फिल्म हर सिनेमा प्रेमियों के यादों में आज भी ताजा है। अगर हम आपसे पूछेंगे कि इस फिल्म में हीरो हीरोइन और कॉमेडियन के अलावा एक और किरदार ऐसा था जिसकी झलक जॉनी वॉकर के साथ दिखती थी, क्या वो किरदार आपको याद है? जी हाँ, उस किरदार का नाम था जूली। ये फिल्म मधुबाला गुरुदत्त की कहानी के साथ चलती है, पर दूसरी ओर जॉनी वॉकर जूली की झलक भी इस फिल्म को खास बनाती है, खासकर वो गाना जो आज भी प्रसिद्ध है, जाने कहां मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी। आज भी ये गाना टीवी पर आता है तो लोग सोचने लगते हैं कि ये डिंपल वाली लड़की कौन होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनामिका। यादों के सफर में इस सीरीज में हम अक्सर उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने फिल्म जगत में बहुत कम काम किया, पर उनकी पहचान सिर्फ चेहरे तक सीमित रही। आज हम याद कर रहे हैं अभिनेत्री यास्मीन जी को। जी हाँ, वो डिंपल वाली लड़की यास्मीन है, जिसने अपने जीवन में सिर्फ दो फिल्में की। उनमें से एक फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 ने उन्हें प्रसिद्ध किया। इस अभिनेत्री के बारे में बहुत कम जानकारी मिली, पर जितनी भी मिली वो हमारे दर्शकों को खुश करने के लिए काफी है। विनीता भट्ट उर्फ यास्मीन जी का जन्म कश्मीरी परिवार में 3 अप्रैल 1937 को अविभाजित भारत के रावलपिंडी में हुआ। भारत के अलग अलग हिल स्टेशन में रहकर उन्होंने अपनी पढ़ाई की। उसके बाद जब उच्च शिक्षा के लिए वो बैंगलोर आई तो यहाँ के स्टेज थिएटर से जुड़ गई। पढ़ाई के साथ यास्मीन ने कुछ स्टेज शो भी किए। इसी कारण से गुरुदत्त साहब ने उन्हें बैंगलोर में नोटिस किया। उन्होंने यास्मीन को कहा कि वो उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करेंगे। इसके बाद गुरुदत्त ने उनके कुछ फोटोग्राफ खींचे और मुंबई चले गए। मुंबई आने के बाद उन्होंने यास्मीन को खत लिखा कि वो उन्हें अपनी आगामी फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 में कास्ट करना चाहते हैं, पर गुरुदत्त साहब के कुछ शर्तें ऐसी थी जिन्हें यास्मीन मानना नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने इस फिल्म को ठुकरा दिया। इसके कुछ दिन बाद यास्मीन मुंबई आई। प्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस के भाई अनवर हुसैन उनके पहचान के थे। उनके बदौलत यास्मीन को रंजीत स्टूडियो के मालिक चंदूलाल शाह ने उठ पटांग फिल्म में छोटा सा रोल दिया। इस फिल्म की शूटिंग महबूब स्टूडियो में होती थी, जहां गुरुदत्त भी शूटिंग करते थे। एक दिन यास्मीन की मुलाकात फिर से गुरुदत्त से हुई। इस बार वो उन्हें इनकार नहीं कर पाई और इस तरह उन्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी फिल्म मिली। पर उनका फिल्मी सफर शुरू होते ही खत्म भी हो गया। 1955 में ही उनकी फिल्म रिलीज हुई और उसी साल फिल्म जगत को छोड़ भी दिया। थ्री हेडेड कोबरा नामक विदेशी फिल्म भारत में बन रही थी। इस फिल्म के मेकअप आर्टिस्ट जिमी विनिंग से यास्मीन को प्यार हुआ और शादी भी कर ली। शादी के बाद उन्होंने किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। आज के जमाने में यास्मीन कहाँ रहती है किसी को नहीं पता। कुछ लोगों का कहना है कि वो आधी रशियन और आधी इंडियन थी, इसीलिए शादी के बाद वो विदेश बस गई। साथ ही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनका बेटा स्पाइस जेट में पायलट है। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।